हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपी स्टिचिंग एंड फैशन में आपका स्वागत है। आज हम ब्यूटीफुल सी लटकन बना रहे हैं, थ्रेड लटकन बना रहे हैं, जो कि सिल्क थ्रेड से भी हम बना सकते हैं और नॉर्मल जो हमारा धागा आता है उससे भी, कॉटन का जो थ्रेड आता है जिससे हम सिलाई करते हैं उससे भी ये लटकन ईजिली हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें डोरी बनानी होगी, जो कि धागे की मैं डोरी बनाने वाली हूँ इसमें। तो इस तरीके से हम जो एक पिन को यहाँ पर मेरे टेबल पर जो फैब्रिक बिछा हुआ उसके ऊपर मैंने अटैच कर दिया, या किसी भी चीज़ में आपको इसे इस तरीके से लपेट लेना है एक तरफ, और एक तरफ हम इसे जो है उंगली में लपेटते हुए जो है हमारी जितनी लंबी डोरी हमें बनानी है उससे डबल लेंथ लेनी है हमें इसकी। और ये डोरी है जो सिर्फ एक साइड की ही बनेगी, दोनों डोरियां हमें अलग अलग बनानी है, दो बार में बनेगी, और इसकी लेंथ हमें जो है डबल लेनी है क्योंकि ये फोल्ड होगी तो आधी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसे जो है लपेट देना पूरे धागे को इस टाइप से, और जितनी मोटी हमें बनानी है डोरी उस तरीके से हमें ज़्यादा, मैं यहाँ पे पतली ले रही हूँ तो मैंने इतनी लेयर जो है कंप्लीट की है इसकी। अब इस तरीके से हमने जो है इसे यहाँ से मैंने उंगली में लपेटा हुआ है, अब इस तरीके से हमें जो है इसे गोल 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 जो इसमें सेल बल से दे देने हैं गोलाई में एक तरफ से, अगर दो जने हो तो एक साइड से उधर से और दोनों तरफ से हम जो है इसे इस तरीके से घुमाते जाएंगे। जैसे ही हम घुमाते जाएंगे इसमें जो है हम जब इसे डबल फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरीके से, तो हमारी अपने आप जो है डोरी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरीके से छोड़ने पे इस तरीके से वो इकट्ठी हो जाएगी, फिर देखिए इस टाइप से जो है हमारी डोरी ईजिली बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो डोरी मैंने बना ली, अब हम जो है इसकी लटकन बनाते हैं। इसके लिए देखिए मैंने जो ये धागा लिया है जो कि सिल्क थ्रेड है, नॉर्मल का ही बना सकते हैं। हमने जो है ये गत्ता लिया है, कॉपी का जो मोटा कवर आता है वही है, और हमें कितना लंबी बनानी है उस हिसाब से इसकी लेंथ रखनी है, क्योंकि हम इसे लपेटेंगे तो उसकी लेंथ उसी हिसाब से रखनी है। अगर हमें बड़ी लटकन लंबी बनानी है तो हमें इसे थोड़ा बड़ा कट करना है, और इस तरीके से हमें इसे लपेटते जाना है इसमें। तो देखिए इस तरीके से मैंने लपेटने के बाद इसको जो है यहाँ से एक तरफ से, जिस तरफ से हमने इसकी स्टार्टिंग की थी और जिधर से एंड किया, वो दोनों एक ही साइड में होने चाहिए क्योंकि धागे हमारे नीचे की तरफ लटकेंगे, और उसी साइड से हमें जो इसे कट कर लेना है। तो देखिए एक तरफ से हमने इसकी कटिंग कर ली है, तो इस तरीके से हमारी एकदम बराबर जो है बन के तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरीके से मेरा एक धागा निकल गया है, इसे मैं बराबर रख लूँगी। एक्स्ट्रा है ये जो हमने एंड किया था वही है, इसे मैं एक्स्ट्रा पार्ट जो इसका कट कर दूँगी। यहाँ से एकदम बराबर होनी चाहिए, इसे हम बनाने के बाद फिर से भी बराबर कट कर लेंगे। अब हमने जो डोरी बनाई थी इसमें एक तरफ जो है हमें इसे यहाँ रखना, उससे पहले इसमें हमें जो है गांठ बांध लेनी है इस तरीके से, दो से तीन थोड़ी बड़ी साइज़ की, ताकि ये निकले ना। उसके बाद हमें जो है इसे हम डायरेक्ट भी बना के जो है अटैच कर सकते थे, जो कि मैं पहले वीडियो उन पर बना चुकी हूँ, पर मैं इसे अच्छे से फिनिशिंग से जो ऊपर से दिखाई देगी वो तरीका आपको बता रही हूँ। तो इसके सेंटर से थोड़ा सा हमें नीचे, सेंटर से थोड़ा सा नीचे रखना है हमें, और इस तरीके से जो है एक धागे के ऊपर एक्स्ट्रा धागा कट करने के बाद इससे जो है हमें बांधना है। तो हमें इस तरीके से इसे बांधना है कि डोरी इसमें अटैच हो जाए और डोरी दिखाई भी नहीं दे, एकदम सेंटर में हो। तो इसके सेंटर में रखने के बाद ऊपर की तरफ भी हमें देखिए इस तरीके से ये जो हमने धागे कट किए हैं इन्हें इस तरीके से हमें इसके ऊपर लेना गोलाई में एकदम, और बीच सेंटर में जो हमारी डोरी है वो रहनी चाहिए, और गांठ इसके अंदर की तरफ रहनी चाहिए, नीचे की तरफ रहनी चाहिए, और इसके ऊपर से हमें बांधना है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, इस तरीके से ऊपर हमें सभी धागों को ऊपर भी करना है, नीचे भी रख करना है, पूरे गोलाई में हमारे जो ये रहने चाहिए, उसके बाद हमें जो है इसे बांध देना है। बांधते वक्त हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमने गांठ बांधी थी इसमें वो नीचे की तरफ रहनी चाहिए, ताकि जो ये डोरी इसमें से अच्छे से अटैच हो जाए, और सेंटर में रहनी चाहिए, उसके ऊपर की तरफ भी जो ये धागे रहने चाहिए, नीचे की तरफ भी एकदम बराबर रहने चाहिए, तो ही हमारी जो ये लटकन अच्छे से बन पाएगी। इस तरीके से बांधने के बाद एक बार और हमें इसमें गांठ बांध देनी है।
अब देखिए हमें इस तरीके से इसे सेंटर में आना चाहिए, इस तरीके से उठा लेना है। यहाँ से देखिए ये बराबर हमारे एकदम गोलाई में रहना चाहिए, सभी तरफ जो है हमारे ये धागे रहने चाहिए। इस तरीके से हमें इसे एडजस्ट कर लेना है। देखिए स्टेप से एकदम सेंटर में, अब इस तरीके से हमें यहाँ से इसे पकड़ लेना है एकदम बराबर नीचे की तरफ करने के बाद। उसके बाद हमें जो है यहाँ से इसमें फिर से धागा लपेट के उसे भी बांध देना है। देखिए ये एकदम बराबर होना चाहिए हमारा, और यहाँ पे हमें जो है धागा लपेट के इसे बांध देना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसमें जो है धागा ले लिया है, और इसे मैं यहाँ से इस तरीके से जो है लपेटते हुए पूरे में जो है बांध दूँगी। तो देखिए जहाँ से हमारी डोरी हमने बांधी वहाँ से इस तरीके से जो दिखाई देगी, और इस तरीके से मैंने इसमें जो है धागा लपेटा है ऊपर की तरफ। और उसके बाद मैं इसमें जो है ज़्यादा लेयर जो है धागे की इस तरीके से लपेट दूंगी, क्योंकि हमें इसमें जो है वाइट कलर के मोती ऐसे इसे थोड़ा सा डेकोरेट करना। उसके बाद यहाँ से हमें इन धागों को जो है बांध देना है, जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ से हमें थोड़ा सा धागा छोड़ना है। उसके बाद हमें इसे जो है इसके पूरे में लपेटना है, और बचे हुए दोनों धागों को हम इस तरीके से बांध देंगे। बांधने के बाद हमें एक्स्ट्रा धागा कट कर लेना है, 2 से 3 गांठ बांधनी है हमें ताकि ये छूटे ना। और एक्स्ट्रा जो है मैंने ये है नॉर्मल हमारा फैब्रिक कॉटन का जो है धागा लिया उसी से बांधा है ताकि जो है ये फिसले ना। इस तरीके से हमें इस तरीके की भी लटकन बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। अब इसे एकदम बराबर करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा इसमें से कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से इसे बराबर कर लूँगी, और अगर हमें इसे एकदम बराबर करना तो और हम कट कर सकते हैं, पर मुझे ऐसी ही है बहुत अच्छी लग रही है। इसके बाद हमें जो है सेम इसी भी हम लगा सकते हैं, मैं इसे वाइट मोतियों से जो है डेकोरेट करने वाली हूँ। तो इस तरीके से जो मैंने एकदम पतली वाली सुई ली है क्योंकि मोती मेरे जो छोटे हैं, तो यहाँ से हम जो इसमें जहाँ से हमने धागा लपेटना स्टार्ट किया था इसमें वहीं से हमें इसे ले लेना है और धागे पिरो देना। हमें उतने धागे पिरो सॉरी मोती पिरो देना है, हमें उतने ही मोती इसमें जो है पिरोना है जितना इसमें एक राउंड हमारा बन जाए। हम चाहें तो सारे एक साथ भी पिरो के राउंड राउंड पूरे में 3 से 4 बार घुमा सकते हैं, पर वो जहाँ से स्टार्ट होगा और एंड होगा वो कम ज़्यादा होगा वहाँ से जो है हमें दिखाई देगा। इसलिए मैं इसमें जो बराबर रखने के लिए इस तरीके से यहाँ से देखिए यहाँ तक मैंने इतने ही मोती पिरोए हैं जितने यहाँ तक आए। अब यहाँ पे हम इसे जो है अटैच कर देंगे, फिर इसी तरीके से हमें दूसरा भी तैयार करना। मैं यहाँ से इसे जो है इसमें अटैच कर दूँगी। देखिए इस टाइप से मैंने इसे इतना कंप्लीट कर लिया। सेम इसी तरीके से हमें और भी इसमें मोती पिरो लेना है और दूसरा वाला राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। तो देखिए इस तरीके से इसमें जो एक मोती कम है तो मैं इसमें एक और मोती पिरो लूँगी, एक दो मोती और पिरो लूँगी, फिर इसमें जो है मेरे ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं वापस से एक जो है निकाल लूँगी। इस तरीके से हमें बराबर जो है नापते हुए देखिए इस तरीके से ये दूसरा राउंड आ गया हमारा, तो एक ज़्यादा लग रहा है मुझे इसमें, तो मैं एक उसे जो है एक्स्ट्रा है उसे निकाल दूँगी, उसके बाद इसे यहाँ पर अटैच कर दूँगी। तो देखिए दूसरी भी मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर ली, इसी तरीके से तीसरा भी हम जो है कम इसी में जो इसी टाइप से लपेट के उसे भी हम जो है यहाँ पे अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हम जो एक साथ पिरो के इस तरीके से पूरे जो सारे गोल गोल करके भी हम बना सकते थे,
पर मैंने इस तरीके से बनाया ताकि इसकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। ये लटकन जो है हम ब्लाउज़ में लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का, और हम अपने ड्रेस के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन लेके भी इसे बना सकते हैं तो भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगी ये। इस तरीके से लास्ट में हमें जो इसमें यहाँ पे इसे अच्छे से बांध देना है ताकि ये निकले ना। तो इस तरीके से हम इजीली ब्यूटीफुल सी लटकन जो है घर पे भी ही बना सकते हैं, थ्रेड की भी, सिल्क थ्रेड की बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हम नॉर्मल जो हमारा सिलने वाला धागा था उसकी भी इसी तरीके से हम बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी लटकन बन के तैयार होगी जो कि साड़ी में, सूट में, लहंगे में भी हम लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारी लगेगी ये जो लटकन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।